तो सजनों, हमारा भारत देश जति सती और भक्तों की खान है। ऐसे ऐसे इसमें भक्त हो गए जिनका आज श्रोमणी दानियों में नाम है। राजा हरिश्चंद्र जिसकी महिमा आज संसार के अंदर गाई जाती है। एक दफा की बात है, राज ऋषि विश्वामित्र जी जब ये चर्चा हो गई थी कि हरिश्चंद्र जैसा दानी नहीं, तो साधु बनकर के हरिश्चंद्र के द्वार पर जाकर के कहने लगा, महाराज आप दानी हैं, मैं चर्चा सुन के आया हूं, मैं कुछ आपसे दान लेना चाहता हूं। तो राजा कहने लगा, महाराज हुक्म करो, बोले पहले वचन दो उसके बाद में मैं दान आपसे मांगूंगा। तो राजा सोची अगर वचन नहीं देंगे साधु में से खाली जाएगा, तो राजा ने वचन भी दे दिए। विश्वामित्र ऋषि ने सर्व धन राजपाट धन माल खजाना सब मांग लिया। राजा वचन में आया वादा पूर्ण की पूरी संपत्ति ऋषि के अर्पण कर दी। तो राजा रानी पुत्र रोहतास तीनों प्राणी राज घराना छोड़ करके निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद में भी कुछ भार सोना ऋषि का राजा पर कर्जा बाकी रह गया था। अब राजा के पास में कोई धन संपत्ति बसरी नहीं जो ऋषि का कर्जा उतार दे। लेकिन कर्जे को उतारने के लिए राजा रानी पुत्र रोहतास तीनों प्राणी कासे के बीच में खड़े होकर अलग अलग बिक गए थे। तो राजा एक भंगी का घर बिक जाता है, रोहतास और रानी एक ब्राह्मण के घर बिक जाते। अब कई दिनों का भूखा प्यासा राजा भंगी के नौकरी करता एक रोज पानी लाने के लिए गया था। तो जब काया डिगने लगी पानी का घड़ा उठाने, उधर से मगना और रानी आ जाती है। तो राजा कहने लगा, रानी आज थोड़ी मेरी मदद तेरे को करनी पड़ी। तो रानी नटरी बोला, पति देव आप एक भंगी की नौकरी करते हैं, मैं एक ब्राह्मण की करती हूँ, इसलिए मैं घड़े के हाथ नहीं लगाऊंगा। तो राजा रानी आपस में क्या बात करते हैं। अरे भाई देर से खड़ा हरिचंद बात देख रहा तेरी, प्राणपति के काम अटक गया दर्ज पड़ी जो मेरी, प्राणपति के काम अटक गया दर्ज पड़ी जो मेरी। घनी देर से खड़ा हरिचंद बात देख रहा तेरी, प्राणपति के काम अटक गया दर्ज पड़ी जो मेरी, प्राणपति के काम अटक गया दर्ज पड़ी जो मेरी, दर्ज पड़ी जो मेरी, दर्ज पड़ी जो मेरी, प्राणपति के काम अटक गया दर्ज पड़ी जो मेरी, प्राणपति के काम अटक गया दर्ज पड़ी जो मेरी। भारी बोझ घड़ा ना उठे मुश्किल होगी बारी, प्राणनाथ में पराधीन हूँ मदद करो क्या धारी, प्राणनाथ में पराधीन हूँ मदद करो क्या धारी। सुन घाट उठा दे भरिया क्यों करी से देरी, भक्त धर्म ना छोड़ू चाहे जान चली जा मेरी, सत धर्म ना छोड़ू चाहे जान चली जा मेरी। घनी देर से खड़ा हरिचंद बात देख रहा तेरी, प्राणनाथ में पराधीन मदद करो क्या धारी, प्राणपति के काम अटक गज दर्ज पड़ी जो मेरी। घनी देर से खड़ा हरिचंद बात देख रहा तेरी, प्राणपति के काम अटक गज दर्ज पड़ी जो मेरी। मेरी रे गर्ज पड़ी जो मेरी, प्राणपति के काम अटक गया गर्ज पड़ी जो मेरी। तो रानी कहने लगी, राजा मैं ये मेरा धर्म नहीं जो आपको मैं घड़ा उठा सकती हूँ, क्यों आप भंगी के नौकरी कर रहे हैं, मैं एक ब्राह्मण के कर रहा हूं। तो राजा कहने लगा,
के मेरे में खोट भरा तो भूखड़ी से तनक भंगी के भर करो नौकरी रखवाले मर घट के। हाँ भंगी के घर करो नौकरी रखवाले मर घट के। सत के कारण बिका नीच घर कल धर्म पर डटित छूने में भी दोष लगे ना मेरी छूने में भी दोष लगे जाऊ को ना मेरी छूने में भी दोष लगे मैं जाऊ को ना मेरी प्राणपति के काम कटका दर्द बड़ी प्राणपति के काम कटका दर्द बड़ी घनी देर से खड़ा हरी संदे बाट दे किरा तेरी प्राणपति के काम अटक गया दर्द बड़ी यो मेरी। काम अटक गया तेरा रे तो काम अटक गया तेरा प्राणपति भक्त पड़े पड़े नाट जाई विश्वास नहीं था तेरा आज घाट पर आप मिलोगे मन नहीं था मेरा। ओ आज घाट पर आप मिलोगे मन नहीं था मेरा। गड़ा उठा गंगा में नाल धर्म गठे ना तेरा गंगा में स्नान करण से दोष मिटे ना मेरा। ओ गंगा में स्नान करण से दोष मिटे ना मेरा। बड़ी मुसीबत कौन बगावे रुक सामद तेरी प्राणपति के काम अटक गया दर्द पड़ी जो मेरी प्राणपति के काम अटक गया दर्द पड़ी जो मेरी। घड़ी देर से गया हरी चंद्रिया तेरी प्राणपति के काम अटक गया दर्द पड़ी जो मेरी। हाँ प्राणपति के काम अटक गया दर्द पड़ी जो मेरी। दर्द पड़ी जो मेरी जी धन दर्द पड़ी जो मेरी प्राणपति के काम अटक गया दर्द पड़ी जो मेरी। हाँ प्राणपति के काम अटक गया दर्द पड़ी जो मेरी। सुन तेरी बात गात में तीर कलेज मारे परमेश्वरी को याद करो वो काम आपका सारे। हाँ परमेश्वर को याद करो जो काम आपका सारे। गड़ा उठा मगनावत रानी क्यों बता में टारे और नरकम बिठोर नहीं जो धर्म आपका हारे। हाँ और नरक में ठोर नहीं जो धर्म आपका हारे। हरि नारायण हरि गुण गावो नित की सांझ सवेरी प्राणपति के काम अटक गया दर्द पड़ी जो मेरी। प्राणपति के काम अटक गया दर्द पड़ी जो मेरी। दर्द पड़ी का मेरी रे दर्द पड़ी जो मेरी प्राणपति के काम अटक गया दर्द पड़ी जो मेरी। ओ प्राणपति के काम अटक गया दर्द पड़ी जो मेरी। बोलो शंकर भगवान की जय। यानी सजनों जिस वक्त रानी राजा को घड़ा नहीं उठाती तो रानी राजा का तारानी एक दिन अग्नि साक्षी के सामने जो फेरा लिया था तो तूने ये वचन दिया था कि मैं पति धर्म का पालन करूंगी बात पति की बात को मैं कभी नहीं काटूंगी। आज मेरे दिमाग खराब है इसका मतलब तू भी मेरे से दूर हो गई।
तो राजा रानी से कहने लगा कि सूरज वंश का दाग लगा दिया, सूरज वंश के दाग लगा दिया, कर दिया घोर अंधेरा, और गंगा जी के खास घाट पर तुम मान मार दिया मेरा। तो रानी, रानी को राजा जब कहने लग गया कि पति वरपा स्त्री का पति परमात्मा होता है, स्त्री जाति के लिए पति सरों की सेवा से बढ़कर दूसरी भक्ति नहीं होती, और तू एक मेरे को घड़ा नहीं उठा सकता। तो रानी ने एक उपाय बताया कि राजा पतिदेव मैं इतना जरूर कर सकती हूं, हाथ नहीं लगाऊंगी, एक आपको राय देती हूं, थोड़े गहरे जल में चले जाओ और घड़ी को कैसे भी उठा के सिर पर रख। तो राजा बहुत गहरे जल के अंदर जाकर के सिर पे घड़ा रख लेता है। तो फिर रानी से कहने लगा अरे सूरज वंश का दाग लगा दिया, कर दिया घोर अंधेरा, गंगा जी के खास घाट पर मान मार दिया मेरा, गंगा जी के खास घाट पर मान मार दिया मेरा, अरे सूरज वंश का दाग लगा कर दिया घोर अंधेरा, गंगा जी के खास घाट पर मान मार दिया मेरा, गंगा जी के खास घाट पर मान मार दिया मेरा, मान मार दिया मेरा रानी, मान मार दिया मेरा, गंगा जी के खास घाट पर मान मार दिया मेरा, गंगा जी के खास घाट पर मान मार दिया मेरा। मान मार दिया मेरा, गंगा जी के पास घाट पर मान मार दिया मेरा, ओ गंगा जी के पास घाट पर मान मार दिया मेरा। शीलवान पतिव्रता हो के बात पति की काटे से, नित सेवा में हाजर रहे तू आज अना, नित सेवा में हाजर रह तु आज असन कनाटे से, नित सेवा में हाजर रे कि आज असन कनाटे से, पति आजा का कोल किया थर जिस दिन लीना फेरा, गंगा जी के घाट घाट पर मान मार दिया मेरा, गंगा जी के घाट घाट पर मान मार दिया मेरा, और सूरज वंश के दाग लगाया कर दिया घोर अंधेरा, गंगा जी के घाट घाट पर मान मार दिया मेरा, गंगा जी के घाट घाट पर मान मार दिया मेरा, मान मार दिया मेरा रानी, मान मार दिया मेरा, गंगा जी के घाट घाट पर मान मार दिया मेरा, हाँ गंगा जी के घाट घाट पर मान मार दिया मेरा। आज तलक तो मगनावत रानी, आज तलक मगनावत रानी, बात पति की माने थी, दर्शन करके भोजन करती दया धर्म भी जाने थी, दर्शन करके भोजन करती दया धर्म भी जाने थी, आज पति की बात काट कर दिया घोर अंधेरा, गंगा जी के खास घाट पर मान मार दिया मेरा, गंगा जी के खास घाट पर मान मार दिया मेरा, मान मार दिया मेरा रे, मान मार दिया मेरा, गंगा जी के खास घाट पर मान मार दिया मेरा, मान मार दिया मेरा रे रानी, मान मार दिया मेरा, गंगा जी
के खास घाट पर मन मार दिया मेरा। सकल संगाती सुख के साथी दुख में तुरंत किनारा दे, सच्चा मित्र होता सजनों सुख में आन सहारा दे। सच्चा मित्र होता सजनों में आन सहारा दे। संकट में खुद नाट गई तू कर दिया घोर अंधेरा, गंगा जी के खास घाट पर मन मार दिया मेरा। गंगा जी के खास घाट पर मन मार दिया मेरा। सूर्यवंशी के दाग लगाया कर दिया घोर अंधेरा, गंगा जी के खास घाट पर मन मार दिया मेरा। गंगा जी के खास घाट पर मन मार दिया मेरा। सूर्यवंशी के दाग लगा दिया कर दिया घोर अंधेरा, गंगा जी के खास घाट पर मन मार दिया मेरा। हाँ गंगा जी के खास घाट पर मन मार दिया मेरा। सती नार और जति पुरुषिये ऊंचा दर्जा पामणिया, हरि नारायण सिंह नोर का रंग तन्मयी गावणिया। हरि नारायण सिंह नोर का रंग तन्मयी गावणिया। राम नाम का जाप जप्या कर नित की सांझ सवेरा, गंगा जी के खास घाट पर मन मार दिया मेरा। गंगा जी के खास घाट पर मन मार दिया मेरा। मन मार दिया मेरा, गंगा जी के खास घाट पर मन मार दिया मेरा। सूर्यवंशी के दाग लगाया कर दिया घोर अंधेरा, गंगा जी के खास घाट पर मन मार दिया मेरा। गंगा जी के खास घाट पर मन मार दिया मेरा। गंगा जी के खास घाट पर मन मार दिया मेरा। सजनों, तो सजनों जिस वक्त राजा उदर कलवा नाम का एक भंगी जिसके बिकावा था, राजा मरघट की नौकरी करे, उधर एक रोज रानी अपने पुत्र रोता से करने लगे, बोल बेटे आज मेरा व्रत है, मैं स्नान करती हूँ, पूजन करके मैं भोजन खाऊंगी, इसलिए थोड़े फूल तोड़ के लाने होंगे तेरे को। तो रोहतास कुमार फूल तोड़ने के लिए बाग में चला जाता है। उधर विश्वामित्र ने अपनी माया फैलाई, एक मायावी सर्प फूल तोड़ते हुए रोहतास को दस लेता है, रोहतास वहीं पर प्राण त्याग देता है। जब उसी बाग का माली भाग करके रानी को खबर देता है, रानी बाग के अंदर आई, जहर से रोहतास की काया लीली पड़ गई, तो रानी अपने पुत्र की लाश को पास में बैठ करके रुधन मचाती, बोल बेटा एक तेरा सहारा था जो तू भी आज मुझे छोड़ के चल दिया, भगवान ऐसा हमने कौन सा अनर्थ किया था जो तू ऐसी सजा हमको दे रहा है। तो रानी क्या उधर मचाती, अरे आंख मूंद के सोया बन में अब लीली पड़गी काया, दिल का हाल बता मेरे बेटे किसने तुझे सताया। दिल का हाल बता मेरे बेटे किसने तुझे सताया।
आँख मूंद कर सो गया बन में, लीली पड़ गई काया। दिल का हाल बता मेरे बेटे, किसने तुझे सताया। हाँ, दिल का हाल बता मेरे बेटा, किसने तुझे सताया। आँख मूंद कर सोया बन में, लीली पड़ गई काया। दिल का हाल बता मेरा बेटा, किसने तुझे सताया। दिल का हाल बता मेरे बेटा, किसने तुझे सताया। किसने तुझे सताया रे बेटे, ओ किसने तुझे सताया रे बेटे, किसने तुझे सताया। मन में किसने तुझे सताया, आँख नींद कर सो गया मन में, किसने तुझे सताया। ओ आँख मूंद के सो गया मन में, नीली पड़ गई काया। दिल का हाल बता मेरा बेटा, किसने तुझे सताया। दिल का हाल बता मेरा बेटा, किसने तुझे सताया। फूल तोड़ने गया बाग में, के होगी बीमारी। ओ के होश पड़ा धरती पे, सुध सारी खोरी। हाँ हो गे होश पड़ा धरती पे, सुध सारी खोरी। माता से मुख मोड़ लिया क्यों, ममता खो दी सारी। रोहिता से नादान कमर तन, छोटी बात बिचारी। ओ रोहिता से नादान कमर तन, छोटी बात बिचारी। झरी ने तेरे डंक लगाया, ओ झरी ने तेरे डंक लगाया। झरी ने खुद बाग आज में तेरे डंक लगाया। दिल का हाल बता मेरे बेटे, किसने तुझे सताया। दिल का हाल बता मेरे बेटे, आँख मूंद के सोया बन में, नीली पड़ गई काया। दिल का हाल बता मेरा बेटा, किसने तुझे सताया। दिल का हाल बता मेरा बेटा, किसने तुझे सताया। किसने तुझे सताया रे बेटे, किसने तुझे सताया। दिल का हाल बता मेरे बेटे, किसने तुझे सताया। राजपाट धन माल छूट गया, बेटा भी तू रूठ गया। राजपाट धन माल छूट गया, बेटा भी तू रूठ गया। कला संबंधी मित्र स्नेही, यार सभी से टूट गया। हाँ कला संबंधी मित्र स्नेही, यार सभी से टूट गया। बुरी करी भगवान बाग में, विश्वामित्र लूट लिया। तीनों प्राणी बिछड़ गए, तकदीर हमारा फूट लिया। हाँ तीनों प्राणी बिछड़ गए, तकदीर हमारा फूट गया। सुत की लागी चोट जिगर पे, दिल मेरा घबराया। दिल का हाल बता मेरे बेटे, किसने तुझे सताया। दिल का हाल बता मेरे बेटे, किसने तुझे सताया। किसने तुझे सताया बेटा, किसने तुझे सताया। दिल का हाल बता मेरा बेटा, किसने तुझे सताया। इकलौती का लाल अकेला, मेरे दूसरा और नहीं। मतदारा मैं छोड़ चला अब, किस्मत आगे जोर नहीं। हाँ मतदारा मैं छोड़ चला अब, किस्मत आगे जोर नहीं। तेरे तन में स्वाद नहीं, तेरे तन में स्वाद रही ना, सुने किसी का सो
और नहीं, बिन प्राण तजोगे बेटा मुझे जगत में ठोर नहीं। हाँ बिन प्राण तजोगे बेटा मुझे जगत में ठोर नहीं। लुटगी में मजेदार बीच में करूँ अब, लुटगी में मजेदार बीच में कर्मों का फल पाया। दिल का हाल बता मेरे बेटे किसने तुझे सताया। आहा दिल का हाल बता मेरे बेटे किसने तुझे सताया। ओ आँख मूंद के सो गया बन में नीली पर दिखाया। दिल का हाल बता दे बेटा किसने तुझे सताया। दिल का हाल बता दे बेटा बताया। तुझे नींद होश कर बेटा आंख खोल बतला ले। कंद मूल फल मेवा लाई मनसा भर कर खा ले। हाँ कंद मूल फल मेवा लाई मनसा भर के खा ले। रुदन करे महतारी तेरी उठ के गले लगा ले। हरि नारायण शर्मा मेहता नाम हरि का गाले। हाँ हरि नारायण शर्मा मेहता नाम हरि का गाले। होनी होश होकर रहती परमेश्वर की, होनी होश होकर रहती परमेश्वर की माया। दिल का हाल बता मेरे बेटे किसने तुझे सताया। दिल का हाल बता मेरे बेटे किसने तुझे सताया। बेटा किसने तुझे सताया। दिल का हाल बता मेरे बेटा किसने तुझे सताया। दिल का हाल बता मेरे बेटा तो रानी संतान की लाश के पास में बैठी बैठी रुदन मचाती। जब माँ से बेटा बिछड़ता है तो माँ के दिल में क्या गुजरती है ये अपनों को सबको मालूम। कहने लगी राजपाठ मालूम छूटा बेटा तू भी रूठा। सगा संबंधी मित्र से नहीं प्यार सभी से टूटा। बुरी करी भगवान बार में विश्व मित्र लूटा। और तीनों प्राणी बिछुड़ गए तकदीर हमारा फूटा। जब कहने लगी इकलौती का लाल अकेला मेरे दूसरा और नहीं। मझधारा में छोड़ चला किस्मत आगे जोर नहीं। तेरे तन में श्वास रही ना सुने किसी का सो नहीं। तुझ बिन प्राण तजूंगी बेटा मुझे जगत में ठोर। तो रानी अब क्या करती अपने पुत्र की लाश को जलन जलाने के लिए शमशान की ओर लेकर के चल देती। उधर विश्वामित्र की एक भलाई माया उसी नगरी के अंदर कि भाई कोई डाकन आई हुई है और गांव के बाल बच्चों को रात को उठा करके ले जाती है और खा जाती। तो ये शमशान घाट तक हरिश्चंद्र के पास में भी ये आवाज पहुंची हुई थी। तो राजा रानी को आती देख करके राजा ने तुरंत विचार लगाया कि भाई जो नगरी में हाहाकार हो रहा था चोरी डाकर भूतनी का वो आज तेरे पास शमशान घाट पर ही आ गया। तो राणा राजा तलवार म्यान में से खींच लेता है और उस अपनी रानी को डाकन समझ करके उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो राजा कहने लगा अरे कौन खड़ी शमशान घाट पर आधी रात अंधेरी में निर्जल वन में फिरे अकेली रखे दुख पड़ गया तेरे। निर्जल वन में फिरे अकेली के दुख पड़ गया तेरे। और खड़ी शमशान घाट पे आधी रात अंधेरी में फिरे अकेली के दुख पड़ गया तेरे। आ
गन बन में फिरे अकेली के दुख पड़ गया तेरे में, के दुख पड़ गया तेरे में, के दुख पड़ गया तेरे में। निर्जन वन में फिरे अकेली के दुख पड़ गया तेरे में, निर्जन वन में फिरे अकेली के दुख पड़ गया तेरे में। और खड़ी शमशान घाट पर आधी रात अंधेरी में, निर्जन वन में फिरे अकेली के दुख पड़ गया तेरे में, फिरे अकेली के दुख पड़ गया तेरे। निर्जल बन में फिरे अकेली के दुख पड़ गया तेरे में, निर्जल बन में फिरे अकेली के दुख पड़ गया तेरे में। काली घटा गगन में छाई बिजली सिर पर करकस, दाकर से तू चुड़ैल भूतनी मेरा कलेजा धड़कस, दाकर से चुड़ैल भूतनी मेरा कलेजा धड़कस, मुसलधार बरसता पानी छाती मेरी फड़कस, उलझाने के पड़ी मुसीबत बाया ने तर फड़कस, आके जाने के पड़ी मुसीबत बाया ने तर मेरा फड़कस, थर थर काया कापन लागी फिकर हुआ मन मेरे में, निर्जन बन में फिरे अकेली के दुख पड़ गया तेरे में, निर्जन बन में फिरे अकेली के दुख पड़ गया तेरे में। तो रानी को आती देख करके राजा मन में विचार करता है, काली गठा गगन में छाई बिजली सिर पर करके से, मूसलधार बरसता पानी मेरा कलेजा धड़के से, डाकन है चुड़ैल भूतनी छाती मेरी फड़के से, और कौन जाने के पड़ी मुसीबत यो बाया नेत्र फड़के से। जब राजा विचार करता है कि वास्तव में जो डाकन का रोड़ा था वो आज तेरे पास भी आ गया, कहने लगा जान गया मैं जान गया तू, जान गया मैं जान गया तू, दिख बच्चा खानी से आधी रात गगन में, आधी रात घाट पर डोले या तेरी सेनानी से, आधी रात घाट पर डोले या तेरी सेनानी से, हरिश्चंद्र के पैरे में भी देश तेरी नहीं जानी से, मोती खड़ी अब देख सामने फोटू नाम निशानी से, मोती खड़ी तू देख सामने फोटू नाम निशानी से, डाकन तेरा दाव चलेना हरिश्चंद्र के पैरे में, निर्जन बन में फिरे अकेली के दुख पड़ गया तेरे में, निर्जन बन में फिरे अकेली के दुख पड़ गया तेरे में। तो बताया कभी ने जान गया मैं जान गया तू दिख बच्चा खानी, आधी रात घाट पर डोल या तेरी सैनानी, हरिश्चंद्र के पैरे में डाकन पेश तेरी नहीं बजानी, मौत खड़ी अब देख सामने तेरी खुदू नाम निशान, तो बताया कभी ने।
बड़ी मुसीबत फूट फूट कर रोवस निर्जन निर्जन बन में फिरे भटकती नगरी सारी सोवस निर्जन बन में फिरे भटकती नगरी सारी सोवस होकर होके धरती घाट पर आके धरती घाट पर आके मुर्दा टाबर तोवस हट जाए चांडाल पापनी तू जिंदगानी होवस हट जाए चांडाल पापनी तू जिंदगानी होवस मार खड़ग तेरी नाड़े उड़ा दूं लाश गेर दूं जेरे में निर्जन बन में फिरे अकेली के दुख बढ़ गया तेरे में निर्जन बन में फिरे अकेली के दुख बढ़ गया तेरे में कौन खड़ी शमशान घाट पर आधी रात अंधेरी में निर्जन बन में फिर भटकती ये दुख पड़ गया तेरे में निर्जन बन में फिर भटकती ये दुख पड़ गया तेरे में निर्जन बन में फिर भटकती दुख पड़ गया तेरे राजा कहने लगा के तेरे पर पड़ी मुसीबत तू फूट फूट कर रोवस निर्जन वन में फिरे भटकती या नगरी सारी सोवस हो गए भटक घाट पर आके तू मुर्दा टाबर रोवस है हर जाए चांदार पापनी अब की जिंदगानी खोवस हरिश्चंद्र के सामने डाकन तेरी पेश नहीं जानी और आज तेरे को यहां से जिंदगी नहीं जानी तो रानी कहने लगी राजा कौन चुड़ैलन कौन डाकन कौन भूतनी मेरी सुन इतनी सुन मगनावती बोली इतनी सुन मगनावती बोली फूटा भाग हमारा से दुखिया रानी खड़ी सामने है वही तास सुतधारा से दुखिया रानी खड़ी सामने वही तास सुतधारा से फूल तोड़ने गया बाग में दस गया नाग हत्यारा से हरि नारायण हरि गुण गाओ तो कल्याण तुम्हारा से हरि नारायण हरि गुण गाओ हो कल्याण तुम्हारा से कौन खड़ी शमशान घाट पर आधी रात अंधेरी में निर्जन बन में फिर अकेली के दुख पड़ गया तेरे में निर्जन बन में फिर भटकती के दुख पड़ गया तेरे में तो मेरे सजनों जब रानी जाकर के कहने लगी राजा कोई चुड़ैल भूतनी नहीं है ये तेरा लाल बेटा रोहतास है जिसको सर भ्रस गया और मैं तेरी अर्धांगिनी रानी हूं दमयंती तारामती तो राजा कहने लगा रानी उस दिन को याद कर जब मैं कई दिनों का भूखा पंडित नौकरी करके वह पानी लाने गया था तूने घड़े के हाथ तक नहीं लगाया था बोला भांगी की नौकरी करते हो मैं ब्राह्मण क्यों जैसे तेरा धर्म तेरे को प्यारा था वैसे मेरा धर्म मेरे को प्यारा है कौन किसी का बेटा बेटी कौन किसी रानी और कौन किसी का माता पिता ये ऋषि मुनियों ने बखानी इसलिए मैं भांगी की नौकरी करता हूं इसका अन्न खाता हूं मैं मर घट का कार्य लिए बगैर लाश को नहीं जलाने दूंगा तो रानी कहने लगी राजा मेरे कन कौन सा बेटा का मन डरावना
यो एक छोजे आज मैंने छोड़ चाल, इसलिए मेरे पास में कोई कर का सतमा नहीं है। लाश को जलानी देनी होगी। सजनों राजा सत के ऊपर अटल। राजा जब रानी को इनकार हो जाता है, सजनों ये तो कोई नई बात नहीं, भगवान के भक्तों में कष्ट सदा से शुरू से पड़ता है। क्यों? जैसे सुनार सोने को उतार करके उसकी परीक्षा करता है, इसमें नकली कितना है असली कितना है, इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा करते हैं। वो एक भला आदमी और एक बुरा आदमी, दोनों बहुत तगड़ी दोस्ती थी। एक रोज दोनों आदमी दोनों दोस्ती कहीं सफर में जा रहे, रास्ते के अंदर माया की थैली पड़ी। भले बुरे आदमी के मन में बेईमानी पैदा हो गई कि भाई ये आधा माल लेगा इसमें से। भला आदमी ठोकर खा के गिर गया, भले आदमी को बेहोशी आ गई, बुरा आदमी थैली को उठा करके अपने साथी को छोड़ करके वहां से भाग गया। जब बाद में उसको होश हुआ तो भले आदमी ने सोचा रहे भलाई में कुछ भी नहीं, जो कुछ हंसो बेईमानी और झूठ बोलने में। भला आदमी घर जा करके जितने भी शास्त्र पुराण गीता महाभारत भागवत जितने थे सबको कुएं के अंदर पटक दिया और कि भाई अब आईंदा भलाई का सहारा नहीं लेना सी। तो भगवान ने सपने में उस भले आदमी को कह रहे मैं करता हूं बिल्कुल ठीक करता हूं, बुरे आदमी का राजा बनने का चांस था मैंने उस माया की थैली में डाला था, और तेरी मौत का चांस था मैंने उस ठोकर में डाला। तू तेरी भलाई पर लग रहा था वैसे भलाई पर लगा, तो भले आदमी को उस दिन से ज्ञान हो गया कि भाई जो कुछ है जो सत्य के ऊपर कायम रहने के अंदर ही। तो सजनों इसी प्रकार राजा हरिश्चंद्र भी अपना इतिहास बना गया जो आज उसकी गाथा संसार के अंदर गाई जाती है। तो रानी करवट करके हाथ जोड़ करके रानी रुधन मचा करके रोक करके रानी कहने लगी, राजा भगवान ने तो बुरी बुरी सो करी, लेकिन तू पति होता हुआ तेरी संतान ये एक इतना मोह गई जो संतान को नहीं जन्म दे रहा है। तो रानी हाथ जोड़ करके कहने लगी, यो तेरा बेटा रोहित से और मैं मगनावत रानी, आठा पर क्यों पड़ी थे तेरी वो नलास पिछानी, आठा पर क्यों पड़ी थे तेरी वो नलास पिछानी। यो तेरा बेटा रोहित से मैं मगनावत रानी, आठा पर क्यों पड़ी थे तेरी वो नलास पिछानी, आठा बड़ी टेकड़ी वो नलास पिछानी। ओ नलास पिछानी राजा वो नलास पिछानी, आजा पर बड़ी टेकड़ी वो नलास पिछानी, आजा पर बड़ी टेकड़ी वो नलास पिछानी। यो तेरा बेटा रोहित से और मैं मगनावत रानी, आजा पर तू बड़ी ठेकरी वो नलास पिछानी, आजा पर तू बड़ी ठेकरी वो नलास पिछानी। कुछ दिन पहले राज किया था हमसे सत्तरदारी, पिता कर्म में डरा नहीं थे सुनो सब नर नारी, पिता कर्म में डरा नहीं थे सुनो सब नर नारी। राजपाट धन माल छूट गया होगी कुड़वा गाड़ी, आचा पर तू बड़ी ठेकरी वो नलास पिछानी, आचा पर तू बड़ी ठेकरी वो नलास पिछानी। यो तेरा बेटा रोहित से और मैं मगनावत रानी, आचा पर तू बड़ी ठेकरी वो नलास पिछानी। ओ ओ नलास
पिताई राजा बोला नाथ पिताई आशा पर क्यों डरी ठेकरी कोने लाथ पिताई रे आशा पर क्यों डरी ठेकरी कोने लाथ फूल तोड़ने गया बाग में गोल मुंह वाला फूल तोड़ के दिया काया पे दक्षिण नाग काला फूल तोड़ के दिया काया पे दक्षिण नाग काला तेरी नीली पड़गी कायर बेटम बोल लाश पिछाड़ी आशा पर क्यों पड़ी ठेकरी बोल लाश पिछाड़ी आशा पर क्यों पड़ी ठेकरी बोल लाश पिछाड़ी आशा पर क्यों पड़ी ठेकरी बोल लाश पिछाड़ी आये तेरा बेटा रोहित तेरे मैं मगनाम तेराली आजा पर क्यों धरी ठेकरी ओ नलास पिछानी ओ नलास पिछानी रे राजा ओ नलास पिछानी आजा पर क्यों पड़ी ठेकरी ओ नलास पिछानी आजा पर क्यों धरी ठेकरी ओ नलास पिछानी एक सूखी लकड़ी कटी एक सूखी लकड़ी पड़ी फिर तून लाश जलावे जिसके पास कुछ टका नहीं वो जिसके पास में टका नहीं वो कफन कहाँ से लावे जिसके पास भाई टका नहीं वो कफन कहाँ से लावे तू भंगी कह कर नौकरी में तू भंगी कह मैं ब्राह्मण कह बरानी सगर पानी आशा पर तू पड़ी ठेकरी ओ नलास पिछाड़ी आशा पर तू पड़ी ठेकरी ओ नलास पिछाड़ी पड़ी ठेकरी ओ नलास पिछाड़ी आजा पर क्यों धरी ठेकरी ओ नलास पिछाड़ी तो सजनो रानी जबरन से चिता सुन लेती है और लाश को चिते पर लिटा देती है। राजा ठोकर मार के लाश को नीचे गिरा देते हैं। कर लगा रानी मरघट का कर लिए दूधर में लाश को नहीं जलाने दूंगा। क्यों? एक दिन में पानी लाने के लिए गया था जब मेरे से घड़ा नहीं उठाता तूने घड़ा नहीं उठाया था जैसे तेरे को तेरा धर्म प्यारा है वैसे मैं भी मेरे धर्म को निभाऊंगा। इसलिए मरघट का कर लिए बगैर लाश को मैं नहीं जलाने दूंगी। तो रानी राजा से कहने लगी अरे ठोकर मार गिराया यो लड़का तेरा से मैं मगनावत रानी तू राजा मेरा से ठोकर मार गिराया यो लड़का तेरा से मैं मगनावत रानी तू राजा मेरा से ठोकर मार गिराया यो लड़का तेरा से मैं मगनावत रानी राजा मेरा से मेरा से तू मेरा हाँ मेरा से तू मेरा मेरा से तू मेरा राजा मेरा से ठोकर मार गिराया यो लड़का तेरा से ठोकर
चढ़ती बेल कतर दी एक सर की बड़ा वे डर दी मेरी चढ़ती बेल कतर दी एक सर तो बड़ा वे धर दी मेरी चढ़ती बेल कतर दी एक सर की बड़ा वे डर दी मेरा चढ़ती बेल कतर दी मगोलू न डरती डरती मैं फिरू आवारा करती मैं बोलू न डरती डरती मैं फिरू आवारा करती गोर मेरा से मैं मगना तेरा ही दुरागा मेरा से ठोकर मार गिराया यो लड़का मेरा से मैं मगना तेरा ही दुरागा मेरा से तेरा से मेरा से तू मेरा मेरा सर रस मेरा आ मेरा तेरे मेरा तू मेरा तेरा मेरा राजा मेरा से ठोकर मार गिराया कि लड़का तेरा से ठोकर मार गिराया यो लड़का तेरा से मैं मगनावत रानी तू राजा मेरा से मगनावत रानी तू राजा मर घटिका सर मैं पाऊं बिन करना लास जलाऊं मर घटिका सर मैं पाऊं बिन करना लास जलाऊं मर घटिका सर मैं पाऊं बिन करना लास जलाऊं हमार घटिका सर मैं पाऊं बिन करना लास जलाऊं कर पता कथा तू आऊं है तो पिया मर जाऊं तू कहे तो पिया मर जाऊं बहुत दुख मेरा से मैं मगनावत रानी तू राजा मेरा से ठोकर मार गिराया यो लड़का तेरा से मैं मगनावत रानी तू राजा मेरा से ठोकर मार गिराया कि लड़का तेरा से ओ ठोकर मार गिराया यो लड़का तेरा से मैं मगनावत रानी तू राजा तेरा से मदनावत रानी की लड़का कौन किसी की रानी या समय आवनी जानी कौन किसी की रानी या समय आवनी जानी तू कौन किसी की रानी या समय आवनी जानी तू कौन किसी की रानी या समय आवनी जानी मगर न गया था पानी तू बन बैठी मिसरानी मैं मगर न गया था तू बन बेटी मिसरानी मरन गया था पानी तू बन बेटी मिसरानी तने के मेरा से मैं मगनावत रानी तू राजा मेरा से ठोकर मार गिराया यो लड़का तेरा से मैं मगनावत रानी तू राजा मेरा से ठोकर मार गिराया कि लड़का तेरा से मैं मदनावत रानी राजा मेरा से
से तू मेरा, मेरा से तू मेरा राजा, मेरा से तू मेरा राजा, मेरा से तो पर मार गिराया की लड़का तेरा से। रानी कहने लगी राजा इतना निर्दयी है तो मेरा भी शीश काट दे, तेरे हाथ से मेरी मुक्ति हो जाए। तो राजा आंखों के पट्टी बांध लेता, रानी का शीश काटने के लिए तैयार हो जाता। देवता लोग उनके सबके आसन कांप गए, देवता लोग खुद वहां पर पहुंचे। विश्वामित्र ने खुद प्रकट होकर के राजा की जब रानी के सिर पर तलवार आई पर झोंकी, खुद विश्वामित्र जी ने राजा की तलवार को पकड़ ली। राजा धन्य है जो कि इतना एक सत्यवादी जो तेरा संसार के अंदर नाम, वो राजपाट धन माल खजाना ठाट पाट राजा को मिल गए। इसलिए बताया कवि ने कि रतन कंवर जिंदा हो जाता है। बताया कवि ने कि सतमत छोड़े सूरमा, सत छोड़ा पथ जाए, और सतरी बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी आ।